नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एचएस द इंडियन विलेज मुक्तेश्वर से। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अपनी मुक्तेश्वर वाली साइट पे आए थे। हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट हैं मिस्टर रामप्रसाद त्यागी जी, उनकी हमने आज लैंड की रजिस्ट्री कराई है और बहुत ही जल्द हम उनको एक स्टूडियो कॉटेज बना के डिलीवर करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं और उनसे जानते हैं कि क्यों हमारे साथ उन्होंने हमारे इस मुक्तेश्वर वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। प्लीज़ कम। तो कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। हमने आपने हमारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज नवरात्रा है, हम अपने आपके लैंड की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो आपका आपको कैसा लग रहा है? मैं यही चाह रहा था कि हम नवरात्रि के अंदर ही पहली रजिस्ट्री कराएं। जी, तो चूंकि बड़े शुभ दिन होते हैं, बिल्कुल सर, तो इसलिए पहले नवरात्रि को ही कराया। बिल्कुल। और आप लोगों को भी इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कांग्रेस आगे के लिए भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने आज से एक डेढ़ साल पहले हमारा लंसडाउन वाला प्रोजेक्ट भी देखा था, उस प्रोजेक्ट में ना इन्वेस्ट करके आपने हमारा ये प्रोजेक्ट देखा, इसमें क्यों इन्वेस्ट करने का सोचा? देखिए, मैं वहाँ गया था जी, और मुझे वो चाहिए थी कि जो एक बहुत ठंडा और ऐसा इलाका हो जहाँ आकर के कुछ समय के लिए रुका जा सके। बिल्कुल। और दिल्ली की गर्मी या पॉल्यूशन से निजात पाया जा सके। बिल्कुल। तो यही सोच करके मैं वो लेना चाह रहा था, पर मुझे वहाँ की जो ऊंचाई थोड़ी सी कम लगी जी, इस वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया। और ऐसा नहीं था कि मुझे वो साइट पसंद नहीं आई, मुझे वो साइट ही पसंद आई, अच्छी लगी जी, है ना। और आप लोगों का वहाँ पे जो आदमी थे और आप लोगों का जो एक एटीट्यूड था और जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन था जी, वो भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल। बट इसी वजह से मैं आपके साथ जुड़ा रहा और करीब एक साल बाद हम इस पोजिशन में पहुँचे हैं कि मैं आपसे एक एचएच विलेज मुक्तेश्वर में जी ये इस प्लॉट की आज रजिस्ट्री कराई है। बिल्कुल। और सर आपके पास व्हाट्सएप पे हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स कंटिन्यू आती रहती थी, तो बीच में बस हमारी मतलब एग्जीक्यूटिव हैं ज्योति जी, उन्होंने कहा आपके पास कॉल गया और आपने डायरेक्ट बुक कर दिया, उसके पीछे का कारण डायरेक्ट बुकिंग का आपने साइट भी नहीं देखी थी? देखिए, थोड़ा बहुत तो इस एरिया को मैं जानकार हूँ। अच्छा। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ जी, तो ये तो मुझे मालूम था कि यहाँ एक ठंडा इलाका है। बिल्कुल। और जो मुझे चाहिए था वो मेरे को यहाँ मिल सकता है, तो इस वजह से एक बगैर देखे मैंने करा। और जहाँ तक बात ज्योति के बार बार एक कॉल करने की और एक फॉलोअप रखने की, शायद उसी कारण से आज हम दोनों साथ में हैं। बिल्कुल। और ज्योति का भी मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव है और उसका फॉलोअप भी बड़ा स्ट्रांग है, और मतलब ये समझा अगर ज्योति मेरे को फॉलोअप ना रख करती तो हो सकता है आज हम लोग साथ में नहीं जुड़े होते। बिल्कुल। और जैसे प्रोसीजर जैसा हमारा रहता है, आपने बिना देखे बुकिंग की और द डे आपने कहा कि भाई डे पे मैं कंफर्टेबल हूँ साइट विजिट के लिए, हम आपको पिक करके साइट पे लेके आए, साइट स्टे साइट के पास आपने स्टे भी किया, तो उस प्रोसीजर को जैसे आपने फॉलो किया, आपको कैसा लगा? ये मैं थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं फिजिकली मैं को प्रॉब्लम है जी, मेरा फ्रोजन शोल्डर है और साथ में सर्वाइकल है, इस वजह से थोड़ा ड्राइव करने में मेरे को प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल ज़्यादा हो जाए और मैं रास्ते में कहीं खड़ा होना या उसमें कोई और प्रॉब्लम आ जाए, इस वजह से मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को आप अपने साथ ले जाएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे लेकर के आए जी, और आपने मुझे ये हेल्प करी जिसकी वजह से मैं आपकी साइट देख सका जी। साइट बड़ी इम्प्रेसिव है और बहुत ही अच्छी लगी, और जिस तरह से आप लोगों का प्लानिंग है तो वो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सर। और एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आप साइट पे आए तो आपको हमारे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी लगी? अच्छी। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे माउंटेन्स में, जैसे आपने बताया कि आप वेयर भी थे इस लोकेशन से, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी देखे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट एक तो लैंडस्केपिंग है, सेकेंड थिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो कैसी लगी आपको? अच्छी है, काफ़ी अच्छी है जी। और कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे उनके मुकाबले ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब क्वालिटी और बाकी चीज़ें भी अच्छी है। और दूसरा ये है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर कोई आपको डिज़ाइन बताया जाए, जैसा मेरे को आपने जिंदगी मैंने देखा कि आपने आपको एक कस्टमर ने आपको डिज़ाइन भेजा जी, अब आप उसको उसी डिज़ाइन के हिसाब से बना करके देने को तैयार हैं जी, तो वो आप इसको कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कस्टमर कंफर्ट देखते हैं। बिल्कुल। और आगे आप कैसे देखते हैं, लाइक जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हम आपको आपका कॉटेज डिलीवर कर देते हैं, तो आगे आप कैसे देखते हैं अपने कॉटेज को, खुद पर्सनली यूज़ करेंगे, रेंटल में जाएंगे? देखिए, यहाँ पर आकर के रहना, क्योंकि फैमिली के साथ हैं
तो बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल सर। और दूसरा ये है कि मेरी बेटी बाहर भी रहती है, आउट ऑफ इंडिया जी, तो उसके पास भी जाना होता है साल में 5-6 महीने के लिए। ओके। कुछ अपनी बड़ी बेटी के पास भी रहना होता है जी। तो ये है कि भाई जब भी मौका लगा तो यहाँ आकर के साल में 20-25 दिन या महीना रह सकते हैं, बट कंटिन्यूस रहना यहाँ के लिए आना मुश्किल है जी। तो ये तो हमारा ये है कि हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जी, जो कि शायद आप लोगों की एक प्लानिंग के अंदर भी है जी, कि इसके अंदर जो है आप किसी उसको कंपनी को दे करके और इससे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे सकें। चलिए ठीक है सर। हमारे साथ ये थे राम अफ्ताह त्यागी जी, हम इनके लिए बहुत ही जल्द स्टूडियो कॉटेज बना के डिलीवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, मतलब शुभकामनाएं दी कि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को हमारी ये वीडियो लॉन्च होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने लिए नवरात्रों में बुकिंग करना, हमारा ऑफिस दिल्ली जनकपुरी में है, आप बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्ट करके अपने लिए भी एक अपना ड्रीम होम माउंटेन्स में बुक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।